जैन साथियों, मैं चल एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आप सभी का एग्जाम हैरियर पर। आई होप आप सभी लोग बहुत ज़्यादा बेहतर होंगे और आप अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, मैं आज के लिए इस सेशंस को बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से आप लोगों तक डिलीवर करने वाला हूँ। ये छोटी छोटी क्लासेस आप लोगों के लिए कंटिन्यूटी को बरकरार रखेंगे मॉर्निंग में 5 बजे। कल वाली क्लास भी आप लोग ऐसे ही लोगे और कल शाम को जो आप क्लास लोगे वो मेरे साथ लाइव लोगे। मैं आप सभी लोगों से कहना चाहूंगा कि अपनी तैयारी को बरकरार रखिएगा। जहां पर मैं गया हूँ इसकी डिटेल मैं आप लोगों को कल सुबह वाली क्लास में ऑलरेडी दे चुका हूँ। तो स्टार्ट करते हैं आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन को साथियों। डेट आज की हो जाती है 22 नवंबर 2024, और 22 नवंबर 2024 करंट अफेयर आप लोग मेरे साथ 22 23 24 करंट 24 तारीख की करंट अफेयर में कवर करोगे बहुत शिद्दत और बहुत डिटेल के साथ में। तो इस क्लास की पीडीएफ एग्जाम और फ्री कंटेंट के लिए एग्जाम हैरियर पे आप ज्वाइन हो सकते हो। ये आपका टेलीग्राम चैनल और चैनल का नाम भी है, और इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम की आईडी है विशाल दुबे 01 02। तो स्टार्ट करते हैं आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन को बेटा। इस सेशन में आप लोग मेरे साथ करंट अफेयर के 25 MCQ कवर करोगे, ठीक है, वो भी 5 से 10 मिनट के अंदर अंदर 25 MCQ आप लोग मेरे साथ इस सेशन में कवर करोगे, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी प्रतियोगी की परीक्षा के लिए। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द सेशन। हाल ही में उड़ीसा किस दिन एक अलग राज्य बनने के उपलक्ष्य में उत्कल दिवस के तौर पर मनाया था, जिसको आप लोग पहले कलिंग नाम से जानते थे उड़ीसा को। तो उड़ीसा के लिए प्रत्येक वर्ष उत्कल दिवस हम लोग को मनाते हैं, जिस दिन हम लोग फूल डे के रूप में मनाते हैं। फूल का मतलब पागल होता है जहां पर, तो फूल डे प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल को मनाया जाता है, और 1 अप्रैल को ही हम लोग प्रत्येक वर्ष मनाते हैं उत्कल दिवस के तौर पर। ये बात आपको ध्यान रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों बन जाता है। कि आपको पता है जब उड़ीसा ने अबकी बार अपना फॉर्मेशन डे बनाया तो कौन सा संस्करण बनाया था? तो साथियों आपको याद रखना है 88वां संस्करण बनाया था। तो ये उड़ीसा राज्य कब घोषित हुआ था बेटा? उड़ीसा जो राज्य वो घोषित हुआ था 1 अप्रैल को स्वतंत्र भारत से पहले, 1 अप्रैल 1936 में बेटा, 1935 के अधिनियम के तुरंत बाद 1 अप्रैल 1936 को भारत के अंदर एक नया राज्य उभरा था जिसका नाम था उत्कल, या फिर उड़ीसा के नाम से आप इसको जानते हो। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए किस भारतीय को अपना विशेष प्रतिनिधि चुना है? कमल किशोर को चुना है, मनोहर बेटा मनमोहन झा को चुना है, या फिर आपके रामास्वामी एल को चुना है, या फिर आपके सैयद अकबरुद्दीन दून की चुना है? तो कमल किशोर हटा दो आंसर आपका बेटा, कमल सॉरी आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए किस भारतीय को अपना विशेष प्रतिनिधि चुना है? तो आंसर याद रखना बेटा, कमल किशोर को ही चुना है। किसको चुना है? कमल किशोर को। अगला देखो, हाल ही में बशीरो डीओमाई फे को किस देश के अंदर नए राष्ट्रपति के तौर पर नियुक्त कर दिया गया है? ऐसा कौन सा दोस्तों देश है जहां पर बशीरो डीओमाई फे को देश के नए राष्ट्रपति के तौर पर नियुक्त किया गया? ऐसा देश कौन सा होगा बेटा? याद रखना उस देश को हम लोग सेनेगल के नाम से जानते हैं, अफ्रीकन कंट्री है जिसको हम लोग सेनेगल के नाम से जानते हैं। तो सेनेगल के नए राष्ट्रपति बने हैं बशीरो डीओमाई फे। दोस्तों हाल ही में किस आईआईटी संस्थान के द्वारा 6ठे शस्त्र रैपिड फेडरेटेड शतरंज टूर्नामेंट की मेजबानी की जाएगी? हमारे भारत के अंदर सिर्फ एकमात्र ऐसा आईआईटी है जिसकी मेजबानी करता है। हमेशा याद रखना, ये क्वेश्चन हमेशा फिक्स रहता है। हमारे भारत के अंदर सिर्फ और सिर्फ आईआईटी मद्रास इंटरेस्ट लेता है चेस में, बाकी कोई भी आईआईटी कभी भी बेटा पार्टिसिपेट नहीं करती। हाल ही में नागरिक समाज संगठनों की सहायता से वर्ष 2022-23 में किस संगठन में सबसे ज्यादा बाल विवाह रोके हैं? हमारे भारत के अंदर ऐसा संगठन जिसने जिसने बेटा वर्ष 2022-23 जो वित्तीय वर्ष 2022-23 लगता है या फाइनेंशियल ईयर लगता है, इस वर्ष में सबसे ज्यादा बाल विवाह रोके गए हैं, ऐसा निम्नलिखित में से दोस्तों कौन सा राज्य बनता है? ऐसा राज्य हमारा बिहार बनता है जहाँ पर सबसे ज्यादा दोस्तों बाल विवाह रोके गए, लगभग कितने 60%। किस दिन प्रत्येक वर्ष विश्व आत्म केंद्रित जागरूकता दिवस के तौर पर मनाया जाता है? विश्व में आत्म केंद्रित जागरूकता दिवस 2 अप्रैल को दोस्तों मनाया जाता है। आत्म केंद्रित जागरूकता दिवस 2008 से प्रत्येक वर्ष 2 अप्रैल को मनाया जाता है। 2008 में पहली बार मनाया गया था। दोस्तों हाल ही में संसद में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चित कच्छा दीपु द्वीप वर्तमान में किस देश का हिस्सा है? बहुत ज्यादा नियोजन था 1975 में बंडार नायके पहली महिला प्रधानमंत्री दुनिया की बनी थी श्रीलंका के अंदर। उनको हमारे भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने इस द्वीप को गिफ्ट के तौर पर दे दिया था, और ये बार बार संसद में बेटा एक बहस का विषय बन जाता है जो वर्तमान में श्रीलंका के पास में पहुंच गया है। हाल ही में देश का सबसे बड़ा वायु सेना अभ्यास गगन शक्ति 2024 का आयोजन बेटा कहाँ पर किया जा रहा है? एक अभ्यास है वायु सेना अभ्यास जिसका नाम है साथियों गगन शक्ति, और आपसे पूछा गगन शक्ति अभ्यास कहाँ पर हो रहा है बेटा? गगन शक्ति वो अभ्यास है जो प्रत्येक 5 साल बाद होता है,
और हर 5 साल बाद इस अभ्यास का जो शुभारंभ है उड़ीसा के अंदर होता है, राजस्थान के अंदर होता है, बेटा कहीं भी हो सकता है, परंतु वर्ष 2024 में इसका शुभारंभ जो है वो राजस्थान के अंदर किया जा रहा है। नाम क्या है इसका? गगन शक्ति 2024। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, आप लोग दोस्तों ध्यान रखोगे। हाल ही में किसे कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? बेटा कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन के नए अध्यक्ष तथा प्रबंधक निदेशक जो बने हैं उनका नाम क्या हो जाता है? गीता बन्ना, गीतिका मेहता, रणधीर जायसवाल होगा, सरोज कुमार, संतोष कुमार झा। ये क्वेश्चन अत्यंत महत्वपूर्ण है। नाम इनका बनता है संतोष कुमार झा और ये हाल ही में बने हैं कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन के नए अध्यक्ष तथा दोस्तों प्रबंधन निदेशक दोनों के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन नंबर आपके सामने है, हाल ही में किसे प्रतिष्ठित टाइम्स पावर आइकन 2024 पुरस्कार से सम्मानित किया गया? साथियों टाइम्स पावर आइकन 2024, तो टाइम्स पावर आइकन 2024 से सम्मानित किए जाने वाले व्यक्ति का नाम क्या है? तो याद, आपको आंसर याद रखना बेटा, विजय जैन इनका नाम। ये बेटा एक स्टार स्टेट के प्रबंधक निदेशक है। स्टार स्टेट क्या है? एक कंपनी है। स्टार स्टेट के प्रबंधक निदेशक का नाम विजय जैन है और इनको वर्तमान में टाइम्स पावर आइकन 2024 के रूप में चुन लिया गया है। ठीक है, टाइम्स पावर। हाल ही में किस 44 वर्षीय स्टार भारतीय टेनिस खिलाड़ी ने मियामी ओपन 2024 में युगल खिताब बेटा जीत लिया है रोहन बोपन्ना के द्वारा। और इन्होंने बेटा आपकी बार ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता में भी एक डबल्स खिताब जीता है, युगल खिताब जीता है कह सकते हैं, युगल ही को डबल ही कहा जाता है। ठीक है, ग्रैंड स्लैम भी उन्होंने जीती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में इनसे रिलेटेड कुछ भी आ सकता है, कुछ भी का मतलब कुछ भी। हाल ही में किस अधिकारी को पत्र सूचना कार्यालय की प्रबंध महानिदेशक के रूप में दोस्तों चुना गया है? कहाँ पर बनी है? समीर शाह कौन बना? समीर शाह बनी, सचिन जैन बनी, सैफ अली सरड बनी है। इनका नाम याद रखना बेटा, सैफ अली सरड नाम होगा। इन्होंने मनीष देसाई का स्थान लिया है। ये बनी क्या है साथियों? प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की नई डायरेक्टर जनरल बनी, जिसकी स्थापना 1919 में हेडक्वार्टर दिल्ली में मनीष देसाई के थे और इनका स्थान लेके वर्तमान में बन चुकी हैं सैफ अली सरड। साथियों हाल ही में किस आईआईटी संस्थान ने अस्थियों के उपचार और पुनर्जनन को बढ़ावा देने वाली तकनीक बोन ग्राफ्टिंग को विकसित कर दिया है? साथियों आईआईटी कानपुर के द्वारा बोन ग्राफ्टिंग तकनीक को बेटा विकसित कर दिया है अस्थियों के लिए। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस भारतीय को हॉकी इंडिया पुरस्कार 2023 में वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया है? बेटा 2023 की बात की जाती है तो याद रखना हार्दिक सिंह को। और वर्तमान में हॉकी इंडिया से रिलेटेड FIH जो पुरस्कार दिए जाते हैं वो दिया गया हरमनप्रीत कौर को और श्रीजेश को गोलकीपर खिताब दिया गया है। ठीक है, दोनों में पढ़ा चुका हूँ, अभी 4-5 दिन पहले के रनिंग पर है, बहुत डिटेल वाली में पढ़ा चुका हूँ 11 तारीख को लगभग। हाल ही में RBI ने भारत में अवैध लोन ऐप पर लगाम लगाने के लिए किस ट्रस्ट एजेंसी की स्थापना करने की ठान ली है? बेटा इसका नाम होगा डिजिटल लोन नाम होगा। इसका नाम साथियों आप लोग ध्यान रखोगे, डिजिटा इसका नाम। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस एप्लीकेशन एंड ट्रस्ट एजेंसी? नाम याद रखना बेटा, डिजिटा। हाल ही में किसे इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल इंजीनियर्स के 33वें महानिदेशक के रूप में दोस्तों नियुक्त किया गया? आलोक पुरी बने हैं, JS डाना बने हैं। तो दोस्तों नाम क्या याद रखोगे? JS डाना इज द करेक्ट आंसर, क्वेश्चन का बन जाता है। ठीक है, JS डाना काफी अच्छा क्वेश्चन है और ये बेटा याद रखना, इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल इंजीनियर के 33वें महानिदेशक बने हैं। 32वें कौन थे? जनरल तुमुल वर्मा इनका नाम था। हाल ही में अडानी टोटल ने किस देश की सहायता से उत्तर प्रदेश के बरसाना में बायोगैस उत्पादन संयंत्र की आधारशिला रखी है? बेटा किस देश की सहायता से? याद रखना आपके फ्रांस की सहायता से कहा रखी है, उत्तर प्रदेश के बरसाना में किसकी आधारशिला रखी है साथियों? बायोगैस उत्पादन शुरू करने के लिए। ठीक है, अडानी टोटल की सहायता से, किट ने फ्रांस की सहायता से, एक मिनट रुकना, हाँ हो गया क्वेश्चन ये वाला। अगला क्वेश्चन आपके सामने होगा, किस देश की मिसिंग समुदाय के द्वारा बनाए गए हाथ से बुने हुए कपड़े मिसिंग टाट को भौगोलिक संकेत दिया गया है? बेटा मिसिंग टाट का संबंध हमारे भारत के असम से है, या फिर ऐसे याद रखो कि मिसिंग समुदाय का संबंध भारत के किस राज्य से है? असम से होगा मिसिंग समुदाय का संबंध। हाल ही में 56वीं राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप में किस पुरुष टीम ने भारतीय रेलवे को हरा दिया है? साथियों याद रखना आप लोग, भारतीय रेलवे को हराने वाली टीम का नाम होगा महाराष्ट्र खो खो टीम। ठीक है, महाराष्ट्र खो खो चैंपियनशिप ने इसको हराया है और खो खो लीग हमारे भारत के अंदर होने वाली है एज अ वर्ल्ड कप के तौर पर। जो बच्चे ऐसे हो सर ये वाले क्वेश्चन एक बार करवा चुके हो, मैं उनसे कहना चाहूंगा करंट अफेयर सेम रहती है मंथली। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, हाल ही में पेप्सिको इंडिया ने किस
राज्य में आर्थिक विकास और नौकरी के अवसरों के लिए निवेश किया है बेटा पहली बार, याद रखना आपके, मध्य प्रदेश के उज्जैन में, मध्य प्रदेश के उज्जैन में पेप्सिको इंडिया के द्वारा, ठीक है, इन फर्स्ट टाइम। किस दिन समुद्री अर्थव्यवस्था के बारे में बढ़ावा देने के लिए या फिर जागरूकता फैलाने के लिए राष्ट्रीय समुद्र दिवस के तौर पर मनाया जाता है? बेटा प्रत्येक वर्ष हम लोग का मनाते हैं राष्ट्रीय समुद्र दिवस के तौर पर। राष्ट्रीय समुद्र दिवस प्रत्येक वर्ष 2 अप्रैल को, 4 अप्रैल को, 6 अप्रैल को या फिर 8 अप्रैल को, तीनों ऑप्शन गलत है साथियों, आप लोग ध्यान रखना। 5 अप्रैल को हम लोग प्रत्येक वर्ष मनाते हैं, 5 अप्रैल को हम लोग प्रत्येक वर्ष मनाते हैं नेशनल मैरीटाइम डे के तौर पर, ठीक है, नेशनल मैरीटाइम डे के तौर पर। अब की बार इसकी थीम क्या थी? नेविगेटिंग द फ्यूचर, सेफ्टी फर्स्ट। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस IIT संस्थान में भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी का शुभारंभ कर दिया है साथियों? IIT बॉम्बे के अंदर। आज 3 क्वेश्चन करने फिर कि आपने मेरे साथ IIT के किए हैं। IIT बॉम्बे के अंदर वर्तमान में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा शुभारंभ किया गया भारत की बेटा पहली घरेलू जीन थेरेपी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य की कृषि उपज काटिया गेहूं को भौगोलिक संकेत टैग प्रदान किया गया? काटिया गेहूं संकेत बेटा पंजाब को, हरियाणा को, राजस्थान को, तीनों गलत आंसर। क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपकी उत्तर प्रदेश को बेटा ये दिया गया है। हाल ही में किस राज्य के हाईकोर्ट ने सरकार को लोकतंत्र प्रहरी सम्मान जारी करने का फैसला कर दिया है? लोकतंत्र प्रहरी बेटा सम्मान जो है हिमाचल प्रदेश सरकार नागरिकों को देगी, जो बीच में बंद कर दिए थे, हाईकोर्ट का फैसला आया है कि इनको दोबारा रिस्टार्ट किया जाए, प्रेशर आया हुआ, ठीक है, ये सरकार के ऊपर प्रेशर है हाईकोर्ट का। हाल ही में किस मंत्रालय ने स्वास्थ्य देखभाल पहुंच और डिजिटल अनुभव के लिए MyCGHS ऐप को लॉन्च किया है? किस के द्वारा? कपड़ा मंत्रालय के द्वारा बेटा, स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा, मनसुख मंडलविया की सहायता से। हाल ही में ये क्वेश्चन आपके सामने है, किस दिन दुनिया भर के सभी लोगों के स्वास्थ्य विषय पर ध्यान आकर्षित करने के लिए विश्व में स्वास्थ्य दिवस के तौर पर मनाया जाता है? पूरी दुनिया में बेटा स्वास्थ्य दिवस के तौर पर 1 तारीख, 3 तारीख, 5 तारीख छोड़कर बेटा 7 तारीख मनाते हो, क्योंकि 7 तारीख को, 7 अप्रैल 1948 को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना की गई थी, इसीलिए हम लोग प्रत्येक वर्ष 7 अप्रैल को बेटा मनाते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की सहायता से हेल्थ डे के रूप में। इस प्रकार से आपने बेटा यहाँ तक मेरे साथ क्वेश्चन कवर किए और ये आपके सामने क्वेश्चन ऑफ द डे है, तो आप लोग मुझे क्वेश्चन ऑफ द डे के रूप में बताओगे WHO का की स्थापना कब हुई, WHO का हेडक्वार्टर क्या है, WHO के बेटा पहले डायरेक्टर जनरल का नाम क्या था, फर्स्ट डायरेक्टर जनरल, और WHO के वर्तमान में बेटा जो 2024 में डायरेक्टर जनरल है उस डायरेक्टर जनरल का नाम क्या होगा, और इसके अंदर बेटा कुल मिलाकर कितने सदस्य देश हैं, इसके अंदर कुल मिलाकर कितने मेंबर्स कंट्री आपको देखने के लिए मिलती है, या सर आप मुझे ऑफलाइन कमेंट करके दोगे एज अ क्वेश्चन ऑफ द डे के तौर पर, ठीक है। सेशन आपको कैसा लगा एक बार मुझे ऑफलाइन कमेंट करके जरूर बताइएगा, ये सेशंस बहुत इंपॉर्टेंट मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, एक आज एक कल के लिए बस, कल शाम को क्लास में आपकी लाइव लूंगा, फिलहाल मैं दिल्ली हूँ अभी फिलहाल में, ठीक है, तो मिलते हैं ऑन टाइम पर आपके सेशंस में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को तहे दिल से साथियों, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू सो मच।